मेरे पास एक पेशेंट का सवाल आया है कि बहुत अरसे से उन्हें स्टमक गैस से रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाए। आज की वीडियो में मैं इस बारे में आपसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा सिद्दीका है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इस वक्त मैं ऑनलाइन क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के साथ साथ एवर केयर हॉस्पिटल लाहौर में एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको क्रॉनिक गैस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, स्टमक गैस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो उनको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि इसकी रीज़न्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, पहली रीज़न ये है कि अगर आप रूटीन में खाना खा रहे हैं और उसके बाद आपकी मूवमेंट कम है और आपकी एक्टिविटी लेवल जो है वो बहुत कम है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और आप जो है अपनी डाइट रूटीन के अंदर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अपनी रूटीन के अंदर वॉक नहीं कर रहे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप गैस जैसे इश्यूज़ का जो है वो सामना कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर सेकंड पे वो वजह आ सकती है कि आप अगर खाना खा रहे हैं तो उसे कम चबा रहे हैं और उसे जल्दी जल्दी खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यानी निज़ाम हज़म है उसके अंदर गैस जो है वो जमा हो सकती है, गैस इनकॉर्पोरेट हो सकती है। और इसके अलावा सर्टेन फूड आइटम्स खाने से भी आपको गैस जैसे इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन आ जाता है कि अपनी डाइट को प्रॉपर रखने के साथ साथ उसके अंदर वॉक और फिज़िकल एक्टिविटी की रूटीन लाजमी ऐड करें। अगर आपकी रूटीन के अंदर एक्सरसाइज नहीं होगी तो आप लाजमी बात है कि इस तरह के इश्यूज़ का सामना करते रहेंगे। नंबर दो पे आ जाता है कि जब आप खाना खाने लगें तो कोशिश करें कि उसे चबा कर खाएँ और मैक्सिमम चबा कर कंज्यूम करें और उसको एक दम से और बड़े नवाले लेकर उसे ना खाएं, ताकि आपकी जो बॉडी है उसका वर्कलोड कम हो सके और उसके अंदर गैस की इनकॉर्पोरेशन कम से कम हो। और नंबर थ्री पे आ जाता है वो तमाम फूड आइटम्स जो गैस कॉज करते हैं उनको अपनी डाइट में से तकरीबन एलिमिनेट कर दें, जिनके अंदर कुछ हाई फाइबर फूड्स आ जाते हैं जैसे कि प्याज, गोभी या फिर इससे रिलेटेड दीगर जो फूड आइटम्स हैं। और नंबर फोर पे पॉइंट आ जाता है कि अगर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात करते हैं जैसे कि सोडाज वगैरह हैं, उनको अपनी डाइट में से मुकम्मल तौर पर एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर गैस और ब्लॉटिंग जैसे मसाइल पैदा करती हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसके अलावा अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ना सिर्फ आप उसको अपनी डाइट और एक्सरसाइज को मैनेज करके ट्रीट कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ कुछ होम रेमेडीज़ को भी अप्लाई करके आप इस मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक होम रेमेडी में अगर आपको बताऊं तो उसमें आप वन स्मॉल पीस ऑफ जिंजर, इसके अलावा कुछ पुदीने के पत्ते और हाफ टी स्पून सौंफ लेकर उसे पानी में बॉयल करें और उसका एक होम मेड कहवा तैयार करें और उसे ठंडा करके वक्तन फवक्तन पिए, जिससे आप गैस और ब्लॉटिंग जैसे इश्यूज़ को बहुत जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। और अगर आप मेरी इन क्लिनिक या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो मरहम के थ्रू बुक करवा सकते हैं।